Hello friends, welcome to my channel. How are you all? If you have not subscribed me till yet, do subscribe the button and press the bell icon for sure. So, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये एक बहुत अच्छे टॉपिक पे है, बहुत स्पेशल टॉपिक पे है. दैट इज़ डोंट यूज़ द वर्ड वेरी. हम अपनी लाइफ के अंदर पता नहीं कितनी बार, लाइक पता नहीं थाउजेंड या लैक्स ऑफ टाइम हम ये वर्ड यूज़ करते हैं वेरी. विद एवरी थिंग जहाँ पे आपको फोकस करना होता है, जहाँ पे आपको एम्फसाइज करना होता है, तो आप हर जगह लगा देते हो वेरी. जैसे यू से वेरी गुड, वेरी कन्फ्यूज्ड, वेरी हॉट, You are very shy, I am very hungry, you are very beautiful, I am very bad, you are very angry. मतलब कुछ भी हो, चाहे वो दूसरे की बात हो, चाहे वो हमारी बात हो, हर बात पे हमें बस ये कहना है कि भाई वेरी लगा दो साथ में. तो वो ऐसा शो होता है जैसे आपको वेरी के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं आता है वो कैब में. तो अब आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वेरी की जगह आपको क्या यूज़ करना है. अगर आपको किसी को कहना है वेरी गुड तो आप उसको बोलोगे टेरिफिक. जैसे आप किसी को कह रहे हो वेरी गुड वर्क, देन आप उसको कहोगे टेरिफिक वर्ड. अगर आपको किसी को कहना है डोंट बी कन्फ्यूज्ड तो अब आप उसको कहोगे डोंट बी परप्लेक्स्ड, ना कि आप ये कहोगे कि डोंट बी वेरी कन्फ्यूज्ड. नहीं, अगर आप कह रहे हो मिल्क इज़ वेरी हॉट तो आप कहोगे मिल्क इज़ बॉयलिंग. किसी को आप कह रहे हो यू शुड नॉट बी वेरी शाय तो आपको उसको कहना है यू शुड नॉट बी टिमिड. अगर आपको कहना है आई एम वेरी हंग्री तो आप कहोगे आई एम स्टार्विंग. किसी को आप कह रहे हो यू आर वेरी ब्यूटिफुल तो आप कहोगे यू आर गॉर्जियस. किसी को आपको कहना है दिस इज़ अ वेरी बैड डे, देन यू कैन से दिस इज़ एन ऑफुल डे. किसी को आपको कहना है डोंट बी वेरी एंग्री तो आप कहोगे डोंट बी फ्यूरियस. अब सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं है जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा वेरी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा और वर्ड्स हैं. देयर आर वेरी वर्ड्स जिनके साथ आप वेरी लगा देते हो, तो आपको वो यूज़ नहीं करना है. मैं इस पार्ट में तो वेरी की वीडियो बना ही रही हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे वर्ड्स डालूँगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वेरी यूज़ करते हो और आपको ये नहीं करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की बात करते हो गरीब की तो आप बोलते हो वेरी पुअर. अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो यू से वेरी टायर्ड. अगर आपका बिल्कुल काम करने का दर्द नहीं है तो आप बोलते हो वेरी लेज़ी. और अगर गलती से आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए और आप बहुत एक्साइटेड हो तो यू विल से वेरी एक्साइटेड. और अगर आपको समझ आ जाए कोई चीज़ तो ये तीनों ऐसे वर्ड्स हैं आई हैव गॉट इट, नो प्रॉब्लम, आई एम बिज़ी. ये वर्ड्स भी हम बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं. तो आपको मैं इसके अलावा नए वर्ड्स सिखा रही हूँ जिसको आपको यूज़ करना है, इन पुराने वर्ड्स को नहीं करना है. अगर आप किसी को कह रहे हो वेरी पुअर उसकी जगह आप कहोगे डेस्टिट्यूट. सेंटेंस कोई भी हो वेरी पुअर हटा के आपको सीधा ये वाला वर्ड यूज़ करना है. अगर आप किसी को कह रहे हो आई एम वेरी टायर्ड तो आप उसको बोलोगे आई एम एग्जॉस्टेड. अगर आपको किसी को कहना है डोंट बी वेरी लेज़ी तो आप कहोगे डोंट बी स्लगिश. अगर आपको कहना है आई एम वेरी एक्साइटेड तो आप कहोगे आई एम पम्प्ड अप. और अगर आपको किसी को बताना है कि आई हैव गॉट इट तो आप उसको कहोगे गॉटशा. अगर आपको किसी को कहना है नो प्रॉब्लम तो आप कहोगे नो बिगी डियर. जैसे हम कहते नहीं नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, तो आप कहोगे नो बिगी. आई एम बिज़ी, इसको आप आई एम बिज़ी कहने की जगह ये भी तो कह सकते हो आई एम बरिड विद वर्क, है ना. तो अब आप अपने ये वो पुराने वर्ड्स जिसके साथ आप वेरी लगा लगा के और ऐसे दो तीन डायलॉग्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसकी जगह आप ये नए वर्ड्स को यूज़ करो और अपना वो क्या थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करो. मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस भी डालूंगी. तो अगर आपको ये वर्ड अपनी लाइफ से थोड़ा सा हटाना हो जहाँ आप वेरी 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 करते रहते हो जिससे लगता है कि आपको बस एक ही वर्ड आता है वेरी, तो उसको आप हटा सकते हैं. एंड देन यू कैन सी नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट पार्ट्स एंड लर्न मोर ऑफ द वोकैब. और जो वर्ड्स मैंने बताए हैं ट्राई applying at least 5 in your daily life and just see the change. Please like, comment and share.